Hi guys, welcome back to your channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, आप सब लोग वेट कर रहे थे DIY लाइट का. उसके पहले मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूँ वो लोग आप देखेंगे और बाद में जब DIY लाइट बनाएंगे तो आप लोगों को खुद को यकीन नहीं होगा कि आप लोगों ने ये लाइट को बनाया है. उसके लिए जल्दी से फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सो देट मेरी आगे की वीडियोस आप लोग मिस ना करें. और गाइस, कोई भी वीडियो हो तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर जो आप थोड़ा भी वीडियो को छोड़ देते हो तो आप अधूरी नॉलेज लेते हो. इसीलिए कभी भी हमेशा पूरी नॉलेज लीजिए सो देट आप कोई भी पार्ट मिस ना करें. तो गाइस चलते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग ऑफ ब्लैक बॉक्स. यस, ये ब्लैक बॉक्स सादा ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये विथ वाईफाई वाला ब्लैक बॉक्स है और उसी के ऊपर हम लोग DIY लाइट बनाने वाले हैं. तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का धमाका. ये आप लोग के लिए दिवाली धमाका. मरीन लाइफ में गाइस, जैसे कि समुद्र को रोशनी देता है सूरज, और सूरज जब रोशनी देता है तो सी की जो लेयर्स है वो हिसाब से 7 कलर स्पेक्ट्रम्स में जाते हैं. तो इसीलिए लाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो लाइट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो उस हिसाब से आपको भी आपके टैंक में लाइट प्रॉपर देनी है. इसीलिए जो है कोई भी चीज लाइट बनाने के लिए कोई हार्ड नहीं है गाइस. आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी है DIY लाइट, स्ट्रिप ले लिया, लगा दिया, लाइट लगा दी, हो गया, टाइमर हो गया, बन गया 400-500 रुपए में हो गया. लेकिन गाइस वो जो सस्ती लाइट है वो 10 दिन नहीं चलती है, वो सिर्फ एक ही दिन चलती है ना. आप अच्छी चीज़ लगाओगे तो अच्छी लाइट चलेगी उसकी, और आपके टैंक को जो ज़रूरी है लाइट में वो ही लाइट आपको देनी है. तो गाइस आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस तरह से लाइट बनने वाली है आपकी, और ये लाइट जो है जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसमें क्या फीचर्स है और आपकी DIY लाइट में क्या क्या है. सो गाइस ये है ब्लैक बॉक्स, इस तरह से आपकी लाइट बनेगी. देखते हैं अभी इसको स्टार्ट करके, लेट्स गो. है ना गाइस, देखा, ये है इसके कलर्स. अच्छा लग रहा है ना. तो गाइस चलते हैं अपने ब्लैक बॉक्स वाईफाई को अनबॉक्सिंग करते हैं. जैसा कि गाइस दिवाली का टाइम है तो हम हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले कोई भी लाइट आती है तो उसकी पूजा करते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया है गाइस. सबसे पहले इसकी पैकिंग देखते हैं. थर्माकोल बॉक्स के अंदर ये पैक है, ये साथ में एक कैटलॉग है इसका, जिसमें स्मार्ट LED ऐप यूज़र मैनुअल दिया है, वाईफाई स्कैनर इसमें दिया है, प्रोग्रामिंग किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है और कैसे ऐप को इंस्टॉल करके वर्किंग करना है वो इसमें दिया हुआ है. वेल, इसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, साथ में मैनुअल आता है आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है और किस तरह से करना है. तो गाइस चलते हैं, निकालते हैं अपनी ब्लैक बॉक्स वाईफाई कंट्रोलर के साथ. सो गाइस इसमें स्ट्रिप दिया हुआ है जो कि माउंटिंग के लिए यूज होता है. एंड गाइस एक केबल है, पावर केबल. चलिए गाइस अब निकालते हैं ब्लैक बॉक्स को. ये साइज में 2 फीट की लाइट है गाइस, जो कि 3 फीट तक के टैंक को कवर करती है. दो साथ में एग्जॉस्ट फैन है, पावर सप्लाई इसमें दिया है, पावर कनेक्टर जो है यहाँ पे कनेक्ट करना है. दो एग्जॉस्ट हैं साथ में गाइस इसके, और पावर की भी है. एग्जॉस्ट इन द सेंस कूलिंग फैन है. AC 100 240 वॉट, मेड इन चाइना लाइट है गाइस. माउंटिंग के लिए इसके साइड्स में केबल दिए हुए हैं जो हुक्स में आपको इनको लगाना है, और ये
सिंगल रॉड के ऊपर माउंट हो जाएगी गाइस। इसका जो केबल है लॉन्ग लास्टिंग है, आपको इस तरह से क्लिप को बैंड करके इसके जो हुक्स दिए हैं, ब्रास के हुक्स दिए हुए हैं, उसमें आप इनको क्लैंप कर सकते हैं। नाउ गाइस देखते हैं आप सिंगल वायर के ऊपर इसको कैसे हैंग कर सकते हैं। सी, इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। बट सिर्फ थोड़ा इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको माउंट कर रहे हो तो आपके केबल सब टाइट रहे। अब गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि आपकी DIY लाइट मैं इसी तरह से बनाने वाला हूं, जो कि एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसको ऑन करके हम इस तरह से माउंट करेंगे। ये देखिए, है ना गाइस, सिंगल हुक के ऊपर पूरी आपकी लाइट हैंग हो जाएगी और ये 3 फीट का एरिया कवर करती है। सी, इस तरह से आपकी DIY लाइट और ब्लैक बॉक्स हैंग होता है। अब आपको समझ में आ गया कि ब्लैक बॉक्स जो है किस तरह से हैंग होने वाला है और किस तरह से पावर ऑन करना है और कनेक्ट करना है। सो अब हम लोग जानेंगे गाइस इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, किस तरह से इसको यूज करना है। साइड में पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। गाइस अभी चलते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। आप अपने मोबाइल पर ऐप स्टोर पर आईफोन या एंड्रॉयड फोन पर स्मार्ट LED लाइट सिस्टम इसका ऐप है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आप ओपन करेंगे तो आपको स्मार्ट LED लाइट सिस्टम का ऐप ओपन होएगा, आपसे पूछेगा उसके माइक्रोफोन और कुछ परमिशंस, तो आप उसको ओके कर दीजिएगा। गाइस जिस तरह से आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं मोबाइल के, स्मार्ट लाइट का आपको ऐप डाउनलोड हो चुका है, इस तरह से आपका ऐप खुलेगा। जैसे ही आप ऐप को खोलते हैं तो ऐप में लैंग्वेज यूज करना है आपको, इंग्लिश या हिंदी, आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंग्लिश यूज की है। इंग्लिश ऐप लैंग्वेज यूज करने के बाद आप ब्लूटूथ जो है आपके फोन की ऑन कर लीजिएगा। देखिए जैसे ब्लूटूथ आपने ऑन किया, वो आपके ब्लैक बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। गाइस अब कलर के मैनुअल में हम लोग जाते हैं। जैसे आपका ब्लैक बॉक्स ऑन हो जाएगा, वैसे ही आपकी पावर का बटन जो है उससे आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपका कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप ऑन और ऑफ भी इसको कर सकते हैं। नाउ अब इसमें जो आपको लाइट्स यूज करनी है, इसमें फर्स्ट जो आप ऐप जैसी डाउनलोड करोगे उसमें आपको 4 चैनल्स दिखेंगे। 4 चैनल हैं जिसमें आपको कलर का वेरिएशन मिलेगा, कोई भी आपको सेट करना है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। सी, फर्स्ट सेटिंग, सेकेंड सेटिंग एंड थर्ड सेटिंग। चैनल इसमें Y1, Y2, Y3, Y4 के हिसाब से इसमें चैनल दिए हैं। आप ये जो लाइट है वो मरीन टैंक एज वेल एज प्लांटेशन टैंक के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो लाइट है अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये प्लांटेशन के लिए यूज होती है। नाउ ये आप रीफ और मरीन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओनली ब्लू टाइमिंग के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। गाइस स्टार्टिंग के जो 4 चैनल्स हैं, 4 चैनल्स में आप अपना जो भी टाइमिंग सेट करना है और जो भी हिसाब से आपको आपकी प्रोग्रामिंग करनी है वो वेरिएशन आप उसमें ऐड करके आप उसको छोड़ सकते हैं।
अब गाइस रहा सवाल कि आपकी DIY लाइट किस तरह से करना है, तो उसके लिए भी पेशेंस रखिए गाइस। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ होएगा। अब इसमें 30-40 चैनल्स दिए हुए हैं। देखिए, अगर जो आपको अलग सेटिंग चैनल 1, 2, 3, 4 नहीं चाहिए तो इसमें अलग से भी सेटिंग्स दिए हुए हैं, उस पर आप जाके सेव कर सकते हैं गाइस। मोड्स हैं, हर एक तरह के मोड्स हैं। आप जब इसको लेके आएंगे आपके घर में तो आप इसको खुद करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा गाइस। सी, स्ट्रीट रेड, स्ट्रीट ब्लू, स्ट्रीट पर्पल, अलग अलग तरह के इसमें मोड्स हैं। ये देखिए, जैसे मैं मोड चेंज कर रहा हूं उस हिसाब से आपकी लाइट जो कि नीचे मैंने रखी है वो अपने आप चेंज हो रही है। देखिए, है ना गाइस, अच्छा लगता है हर किसी को कि मोबाइल लेने के बाद हाथ में हम कोई भी कलर चेंज कर सकें इजीली। और गाइस, ये बहुत महंगी नहीं है, ये लाइट आपके बजट में भी है, क्योंकि रीफ लाइट बहुत महंगी महंगी आती है। इसी हिसाब से हम लोग हमारी जो DIY लाइट है वो बनाएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। एंड आई होप गाइज यू विल लव इट। ये सब मोड्स हैं इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ज्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए जितना हो सके मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं गाइज, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में एक नॉर्मल ब्लैक बॉक्स भी आता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है कि इसमें वाईफाई है, आपको जो मोड चाहिए आप वो मोड सेलेक्ट करके आप इसमें अपना सब टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वन फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, थर्ड सेटिंग, तो उसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है वो अपने हिसाब से आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्या लाइट रखनी है आपको, सुबह 10 से 7 बजे तक, जो भी आपको टाइमिंग लगे। आपको 8 आवर्स का टाइम आपको लाइट का देना है, सनराइज से लेके सनसेट तक के बीच का। उसके बीच में आपको व्हाइट कितनी चाहिए, आपको ब्लू कितनी चाहिए, आपको रेड कितनी चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं गाइस। ये देखिए, अब वो हिसाब से आपको ब्लू कितना चाहिए, रेड कितना चाहिए, ग्रीन कितना चाहिए, ये देखिए येलोइश कितना चाहिए, वो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको आपके बाकी चैनल्स को भी सेट करना है। ये देखिए, सेकंड टाइम दिया है, थर्ड टाइम दिया है, फोर्थ टाइम दिया है, फिफ्थ टाइम दिया है, इस हिसाब से आपको जो है आपके टाइमिंग को सेट कर लेना है। ओके गाइस, सो गाइस देख लिया आप लोगों ने किस तरह से सेट करना है। ये है आपका ब्लैक बॉक्स। इसी तरह से आपकी DIY लाइट भी मैं डिजाइन करने वाला हूं गाइस, पेशेंस रखिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, इसमें मल्टीपल कलर्स है गाइस। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे टैंक में किस तरह से गेटअप देता है। सेम टैंक जिसमें हम लोगों ने हमारे DIY जो कस्टमाइज लाइट मैंने लगाई है वो टैंक में देखिए इसका ब्राइटनेस कितना है, और वही चीज हमने जो DIY कस्टमाइज लाइट बनाई है उसका इफेक्ट भी आप देख लीजिए। दोनों चीज आपके सामने है गाइस, वो मेड इन चाइना लाइट है, ये मेड इन इंडिया लाइट है जो कि मैंने कस्टमाइज डिजाइन की है। आपके रिव्यू मेरे को दीजिएगा गाइस, कैसा लगा। सो गाइस, आज आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हमें ब्लैक बॉक्स माउंट करना है, किस तरह से हमें ब्लैक बॉक्स को यूज करना है और उसके एप्लीकेशन किस तरह से यूज करना है। होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अब गाइस, आप लोगों को जो जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ DIY लाइट के लिए। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था क्या क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट में आप लोगों को यही सेम लेंस जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो गाइस, इसको आपको मंगाना है। सेम लेंस बड़ी बड़ी कंपनियां लाइट बनाने में यूज करती है गाइस। यस, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इनको परचेस कर सकते हो गाइस।
ये लेंस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो लाइट है उसका क्या गेटअप आने वाला है। सो गाइस, अब ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम हिक्सिंग। ये जो आपकी प्लेट हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बैक साइड में ये एल्युमिनियम हिटसिंक हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको भी आपको मंगा लेना है। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको भी आपको मंगा लेना है। ये हम लोग इसलिए यूज करने वाले क्योंकि जो हम लोग प्लेट यूज करेंगे उसमें ये बैक साइड में लगेगी जो कि हमारे लाइट को कूल करेगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको अगर जो अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो फटक से सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स के पास भी वो इन्फॉर्मेशन चले जाए, क्योंकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो आपके रिलेटिव्स ना करें और आपके फ्रेंड्स ना करें। जिस तरह मैंने किया है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग करें, इसीलिए मेरी वीडियोज बन रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ हैप्पी मैरिज लाइफ।